रिजिड बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट एंड एनी ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। तो कोई भी रिजिड बॉडी कैसी भी शेप की हो सकती, ठीक है। मान लो इसने आपने किसी वर्टिकल वॉल में कोई कील लग रही थी, उससे इसको सस्पेंड कर दिया। कोई एक रॉड थी, आपने रॉड को किसी एक पॉइंट पर हिंज लगा के या कील लगा के दीवार से लगा दिया, तो ये सब आपके फिजिकल पेंडुलम बन रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इनका आपको, अगर आप ऑसिलेशन बहुत स्मॉल रखेंगे तो ये सब क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। तो आपसे पहले भी बात हुई थी जब रोटेशन पढ़ रहे थे कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे लाई करना चाहिए, ठीक है ना। अब सही आ रही है क्या स्क्रीन, देखना बेटा। आपने थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस कर दिया, मान लो रॉड को, ठीक है। और डिस्प्लेस करके वर्टिकल ऐसे हैंग करा था अपने वॉल से इसको, मतलब ये वॉल थी आपकी इस तरीके की, ठीक है, और रॉड आपकी इस तरह से हैंग हो रही थी। देखो ये वर्टिकल वॉल है, यहाँ पर आपने हैंग कर रखा है इस तरह से इसको, और इस तरीके से आप रिलीज करेंगे तो इस तरह से ऑसिलेशन होंगे। फिक्स पॉइंट है, इस तरह से ऑसिलेट करेगी, ठीक है ना। तो वही ऑसिलेशन है, एकदम वर्टिकली हैंग करके रिलीज करके छोड़ोगे तो इस तरीके से ऑसिलेट करेगी। ये क्या कहलाता है, किसी भी रिजिड बॉडी को किसी भी पॉइंट पर दीवार से ऐसे कील से लगा दिया आपने और रिलीज कर दिया तो वो ऑसिलेट करती है। ये आपके जो ऑसिलेशन है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को फिजिकल पेंडुलम बोला जाता है बेटा इस तरह से। तो क्या आप, इसने अगर स्मॉल ऑसिलेशन है तो फिर ये SHM होती है, और आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं बहुत सिंपली। मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेस पोजीशन पर कहाँ जाएगा इसका MG फोर्स, यहाँ लगने लग जाए, ठीक है ना। ये रॉड की क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, किसी इसकी किसी भी बॉडी की हो सकती है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है आपकी, और ये क्या है, डिस्टर्ब्ड स्टेट है। तो आपका टाइम पीरियड निकालने का मेथड तो वही रहेगा बिल्कुल, कैसे निकालते हैं हम, डिस्टर्ब स्टेट पर टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर इसके अबाउट एंगुलर ऑसिलेशन है, तो आप ओ पॉइंट के अबाउट क्या लिख दें, टॉर्क लिख दें। और ये लेंथ कितनी है, मान लो ये लेंथ है L/2 है, L/2 पर होगा, यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी और किसी पॉइंट पर है तो वो पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। अभी मैंने यूनिफॉर्म रॉड मान ली और इसका टाइम पीरियड निकालना है मुझको, ठीक है ना। ये रॉड का फिजिकल पेंडुलम बनाया है, इसको मैंने ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो इस तरीके से ऑसिलेट करेगी, ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन में। तो उसका टाइम पीरियड निकालना है आपको, और टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे इसका, किसने बजाया है, चाचू को बोलो ना, उस पर कर लो पापा में ना कर चाचू। तो इसका MG का टॉर्क कितना आएगा वो पॉइंट के अबाउट, कर लो ना सीधा, कर ही लो। हाँ एक मिनट बेटा, ये बंद करें। हाँ MG का आप टॉर्क कैसे लिखोगे इसके अबाउट, देखो अब सही आएगा। एम जी के अबाउट टॉर्क अभी नहीं आया, अभी चलो देखो, अभी देखते हैं फिर। ये MG का टॉर्क लिख रहे हो आप इसके अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, तो MG का टॉर्क कितना आएगा, MG इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, MG इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू I alpha। आपने मान लो, आप देखो डिस्टर्ब किधर करते हो, जिस जिधर डिस्टर्ब करते हो उसको पॉजिटिव ले लेते हो, तो टॉर्क नेगेटिव आ जाए, -MG L/2 sin थीटा इक्वल टू I into alpha। और किसी का टॉर्क तो आएगा नहीं हिंज पॉइंट के अबाउट, हिंज फोर्सेस लग रहे हैं बट उनका वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं है, ठीक है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट आपका स्मॉल है, इफ थीटा स्मॉल है, ठीक है, तो आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर कर दोगे, थीटा के बराबर कर दोगे कि नहीं कर दोगे, साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है।
तो ऐसे किसी भी एक जनरल तो डेफिनेशन ये हो गई बेटा, ये तो L/2 हो गया। मान लो किसी और पोजीशन पर होता तो L/2 की जगह RCOM आ जाता। तो किसी भी बॉडी के लिए आप हमेशा लिख सकते हो, आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता हो, इसको आप डिस्टर्ब कर देते मान लो इस तरीके से, ठीक है, और रिलीज कर देते तो हाँ बोलो बेटा। एक सेम सेकेंड, ये बढ़िया चलता है अपने। हाँ आप देखो, अब ठीक है, अब यस थीटा अगर आपका स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -G L/2। साइन थीटा की जगह थीटा आ जाएगा, रॉड है, लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा था, हर किसी जनरल केस में भी लग सकता है ना बेटा, बस इसकी जगह RCOM आ जाएगा। तो कोई भी रिजिड बॉडी आपने हिंज कर दी तो बहुत इजीली आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, आपको सेंटर ऑफ मास ढंग से लोकेट करना है। इसकी जगह रॉड की जगह एक डिस्क भी हो सकती थी यहाँ पर, तो डिस्क का भी मोमेंट ऑफ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इसके अबाउट लिख पाए वही पूछेगा आपसे, ठीक है ना। इस तरह की डिस्क होती है, आपने डिस्क को यहाँ हिंज कर दिया और फिर डिस्प्लेस कर दोगे तो डिस्क भी ऐसे ऐसे घूमेगी, तो किसी डिस्टर्ब स्टेट पर इसका MG यहाँ ले जाओगे तो फिर इसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा। तो रॉड का मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, थीटा हो गया। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ इस एक्सिस के अबाउट, जल्दी से बता दो, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। ML²/3 × α हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3G/2L × θ, ये आपका आ जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, बहुत सिंपल है फिजिकल पेंडुलम, किसी भी एक पॉइंट पर हिंज कर देते हैं और फिर इक्विलिब्रियम में रखोगे तो आपको पता है इस पर सेंटर ऑफ मास होगा, डिस्टर्ब करोगे तो MG टॉर्क दे देगा, ठीक है ना, हिंज पॉइंट के अबाउट। तो वो आपका फिर ऑसिलेट करेगा, अगर थीटा आप स्मॉल रखते हो तो वो आपका ऑसिलेशन कैसा हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगा ऑसिलेशन उसका, ठीक है, क्योंकि उसका जो अल्फा आ रहा है देखो इस फॉर्म का आ रहा है, कंपेयर कर सकते हो आप इसको, α = −ω²θ, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसीज रॉड वाले केस में हो जाएगी 3G/2L, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π/ω√2L/3G। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेटा, कभी एक स्फीयर लेके उसको एक यहाँ पर इंज कर देते हैं, फिर पूछता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो सबका सेंटर ऑफ मास आपको पता है, जिस भी बॉडी का उसका आप निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये सब बहुत चीजों के पता है, तो कई क्वेश्चन आप इसमें बना के निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत बेटा इस तरह के फिजिकल पेंडुलम में, रिजिड बॉडी को किसी भी एक पॉइंट पर लटका देंगे दीवार से और उसको टिल्ट, उसको जरा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ऑसिलेट करेगी, तो उस ऑसिलेशन में अगर थीटा स्मॉल रख रखा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी, तो उसका टाइम पीरियड निकालना सीख गए आप लोग, इसी को फिजिकल पेंडुलम बोला जाता है।